हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ममता फिनर व्लॉग में। तो दोस्तों व्लॉग स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के करीबन 9:30 बजे से। और अभी ना हम नाश्ता करके आ चुके हैं, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और मैंने अपनी बेबी को भी सुला ही दिया है। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं एक बार अपने गाँव का मौसम। तो गाइस वैसे तो आजकल मौसम हमेशा एक जैसा बना रह रहा है, धूप लग रखी है तेज वाली। और ये देखिए गांव जस्ट सामने गांव दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि आजकल के टाइम पे ना मैं घर में ही रह रही हूँ ज़्यादा टाइम, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, वो कभी भी उठ सकती है, उसको देखना पड़ता है बार बार। तो कल का चौथ का व्लॉग वो मैंने दिनचर्या आप लोग के साथ शेयर किया और फिर से आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आज ना तो गाइस मैं आज से सोच रही थी कि डेली व्लॉग बनाऊँ, तो इसमें आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना है। आप लोग जितना ज़्यादा मेरा व्लॉग देखेंगे मुझे उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और उतना ज़्यादा मन ना मेरा डेली व्लॉग बनाने का करेगा। तो चलिए, पिछली बार मैंने और भी व्लॉग अपलोड किए थे मेरा नामकरण वाला अपनी बेबी का, तो उस टाइम पर ना मैं अपनी बेबी का गिफ्ट ओपनिंग वाला व्लॉग बनाना चाहती थी पर मैं व्लॉग बना नहीं पाई। तो चलिए वो चीज़ भी आप लोगों के साथ सारा थोड़ा थोड़ा करके शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिफ्ट ओपनिंग का व्लॉग था वो मैंने थोड़ा सा बनाया था पर मैंने अपलोड नहीं किया था, वो मैं अपलोड कर लूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही लूँगी। और साथ ही साथ ना उसको कुछ लिफाफे वगैरह भी दिए थे लोगों ने शगुन के तौर पे। तो हम सोच रहे थे ना कि जो भी उसको वो लिफाफे वगैरह मिले थे शगुन के तौर पर उसको हम सारे उसके मतलब एक गुल्लक टाइप का सेविंग बॉक्स उसके लिए बना रहे हैं। तो जितना भी उसका ना उसमें है, फनियाल जी अभी गिन रहे हैं कितना हो रहा है उसका। तो सारी चीज़ें मतलब जितने भी उसके पैसे उसमें थे उसको हम सभी को ये सेविंग बॉक्स हमने बना रखा है, इसमें डालेंगे। सत्यम का सेविंग बॉक्स है, सत्यम का मेरे देवर का था ये पहले वाला। और इसमें ना कुछ पैसे हैं कर रखे हैं, इसमें सत्यम ने कुछ पैसे जमा पर अब वो दिल्ली चला गया है तो वो अब ना इसमें जमा कर नहीं रहा है। तो कुछ पैसे उसने इसमें जमा कर ये पैसे उसके भतीजे के हो गए। हाँ, और ये ना अब उसके भतीजे मतलब उसकी भतीजी हुई हो ना, तो मतलब हमारी बेबी उसके हो गए ये। उसने मैं उन लोगों ने मेरे बच्चे को दिया था, वो पैसा भी गिन रहे हैं तो उनको रखेंगे हम इसमें। वैसे तो गिनना नहीं चाहिए हमें बट फिर भी गिन रहे हैं वो, तो उसको रखेंगे हम इसमें। उसके लिए स्पेशल सेविंग बॉक्स हमने बना रखा है। और बाकी ना कल का जो करवा चौथ में मैंने लहंगा वगैरह पहना था शाम के टाइम पे, मतलब जब चाँद निकले ना उस टाइम पे मैं व्लॉग बना भी नहीं पाई ज़्यादा, क्योंकि मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सर ज़्यादा, तो मुझे पानी की प्यास लग गई थी। तो व्लॉग बनाया लास्ट में खुद सुनने मेरे दूसरे देवर ने, और उसमें ना हमने फ़ोटोशूट भी ज़्यादा किया नहीं, बस यहीं पे किया। और वहाँ पे मतलब जिसमें चांद है उसमें हमने फ़ोटोशूट भी नहीं कर पाए मैं, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो हालत ख़राब होने की वजह से ना मैंने अपना लहंगा खोल के भी यहीं पर रख दिया था, मैंने सोचा कि कल मैं इसको रख लूँगी ढंग से। बाकी फनियाल जी ने तो अपने कपड़े रख लिए थे, उन्होंने अपने कपड़े इसमें रख लिए हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी, तो उसके लिए ना सबसे ज़्यादा मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ही ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग ना जितना ज़्यादा मेरा व्लॉग देखेंगे मेरा उतना ज़्यादा व्लॉग बनाने का मन करेगा। और बाकी ये है ना आजकल मतलब मेरे व्लॉग ज़्यादा आ भी नहीं पा रहे हैं, उस वजह से ना मेरे व्यूज़ चैनल पर ज़्यादा आ भी नहीं रहे हैं, तो सब्सक्राइबर अप डाउन हो रहे हैं। तो इसलिए भी नहीं, वैसे मैं डेली व्लॉग बनाने की सोचती हूँ हमेशा बट बनता नहीं है, पर आज से ना मैं डेली व्लॉग बनाने की सोच रही हूँ और इसके लिए आपने मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे। अरे सेविंग करनी चाहिए हमें उसकी ना। हाँ तो अच्छा तो है, उसकी सेविंग करेंगे फिर उसी के लिए कुछ लाएंगे उससे, अगर ये भर जाएगा तो। तो गाइस इस बॉक्स में ना सत्यम ने भी रखे हुए हैं पैसे, चलिए गिनते हैं कि सत्यम ने ना इसमें कितने पैसे जमा कर रखे हैं। गिनती हूँ मैं, और अगर सत्यम ये ब्लॉग देख रहा है ना तो उसे ये पता चल जाएगा कि उसने कितने कर रखे हैं। उसने शायद जमा किया बीच में, वो भूल गया इसमें जमा करना ना। सोनू बीच में भूल गया, नहीं तीन तो इसमें 10 के नोट हैं,
फिर ये क्या है रे, ये स्टिकर्स क्या है, ये कैरम स्टिकर तो नीचे तो यो छी जो खाओ क्रम के स्टिकर है इसमें, जिसमें ना काफ़ी अलग अलग तरह के सिक्के मिल रहे हैं। ये देखिए अलग अलग टाइप के सिक्के हैं, एक ये है एक ये है, मतलब इतने पुराने टाइप के सिक्के पता नहीं कहाँ से सत्यम ने जमा कर रखे थे, और ये कुछ इतने पैसे उसने जमा कर रखे थे। और उसके बाद ना वो दिल्ली चला गया, तो अब उसका यूज़ करने वाला कोई है नहीं, इसलिए उसमें हम अपने बच्चे के पैसे रख लेंगे। तो गाइस क्या आप लोगों ने भी ऐसे सिक्के कभी देखे हैं? अगर देखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। गाइस वैसे आप हम मेरे ब्लॉग ना ज़्यादा कमेंट करते नहीं हैं, बट मैं आपके कमेंटों का इंतज़ार करती हूँ, और कमेंट ही नहीं करते हैं पता नहीं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। तो गाइस इतने पैसे हो गए हैं मीतान सिक्के जमा। रबड़ क्या करो ना, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल ही गई थी, नामकरण के दिन हमने कहा था कि हमने अपने बेबी का नाम मिताली रखा है, बट हमने मिताली से मितान से उसका नाम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मिताली उसका नाम उसके दादा ने रखा था, और उसके पापा बोल रहे हैं उसका नाम मितान से रखना है, पापा बोले मम्मी बोले दोनों तो वैसे हमारा अभी मतलब जन्म प्रमाण पत्र भी उसका बनानी है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो जब वो बनेगा तो उसमें हम फिक्स नाम उसका डाल देंगे, फिर आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और चलिए अब मुझे करना है अपने लहंगे को सही, क्यों इसको रखना भी तो है। तो ये रहा मेरा शादी का लहंगा, अरे लेकिन अच्छा, अरे उखने औरत दे तभी बड़ा 5 रुपए का थैली दे रहा। तो गाइस ये रहा मेरा शादी का लहंगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे ना ब्राउन लहंगे का वो था, मतलब ब्राउन लहंगा पहन रहे थे सब, बट मैंने ना रेड ही कलर में ली है, तो पता है अमेरिका डॉलर अमेरिका गो, अच्छा या कदम चलो अच्छा दिल्ली के पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कितना करो ये बेटी, 1 dime जो वन डाइम कीमत अगर देखो ना भाई यूट्यूब पर कदरी हुआ है, बस 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 ब